हेलो दोस्तों, आज दोस्तों मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ ये कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में कि क्या है ये कॉर्पोरेट सेक्टर। मैंने उस पर काम किया, कई साल अपनी ज़िंदगी लगाई है, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि क्या है ये कॉर्पोरेट सेक्टर, आप उसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और वो क्या चीज़ें हैं जिससे आपको कॉर्पोरेट सेक्टर से निकाला जा सकता है। मैं वही सब चीज़ें आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ दोस्तों, आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने करीब नहीं किया तो कम से कम 7-8 साल तो दोस्तों इस सेक्टर में लगाया है, और उसके बाद जो मेरे समझ में आया दोस्तों, जो मैंने गलती किया सही किया ये अब आप डिसाइड करिएगा, और क्यों मुझको बाहर निकाला गया ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको दोस्तों। तो आप ये खुद देखिएगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किस तरह आपको करना है, मैं आपको ये एडवाइस भी दूंगा, ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप किस तरह से काम करिए कि आप जो है डे बाय डे ग्रोथ भी करें, आपकी जॉब भी सिक्योर रहे, और क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपकी जॉब आज नहीं कल खतरे में आ सकती है। दोस्तों मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा है मार्केट में, और मैं दोस्तों कोई क्लासरूम या कहीं 100 लोगों के सामने मैं व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लेके मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ दोस्तों आपको, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो होता है, जो हो रहा है। अगर आप आज कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपके साथ कल यही होगा, आप उन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप उसको फॉलो करिएगा, और अगर गलत हो जाएगी दोस्तों तो मेरा नंबर ही है, व्हाट्सएप पे रहता है, आप मुझको बताइएगा कि आपकी वजह से मैंने ये प्रॉब्लम झेला, तो मैं उसी टाइम मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये मैंने 10 साल झेला है, 10 साल देखा है दोस्तों, यही होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, आज आपको वही बताने जा रहा हूँ दोस्तों। शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट कि दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर करिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इसको। दोस्तों जो आप नई जॉब ज्वाइन करते हैं या अपनी स्टडी पूरी के बाद अगर आपका कैंपस इंटरव्यू में हो गया तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं हुआ तो आपको फिर रिज्यूम लेके अपना किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एक्सेट्रा में आपको रिज्यूम लेके डेली न्यूज़पेपर और एक्सेट्रा टाइप की वेबसाइट्स पे आपको अपना डेटा अपलोड करना होता है, और आप कई महीने परेशान होने के, 2-3 महीना, किसी की किस्मत अच्छी है 1 हफ्ते में उसको जॉब मिलती है, जॉब मिलती है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिए कि एक अलग ही खुशी होती है दिल में कि मुझको जॉब मिल गई है, अब मैं जॉब करूँगा, पैसे कमाऊँगा, आगे बढ़ूँगा, ये दोस्तों सोचते। अभी तक आप एक कॉलेज में थे दोस्तों, कॉलेज का पर कॉलेज और ये जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में आप फीस देते हैं, कॉलेज आपकी हर गलती माफ़ भी कर सकता है, उसको वो आपको निकाल नहीं सकता है, आपको कोई वैसी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उसको फीस अच्छी पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जॉब में जाते हैं दोस्तों इसका एकदम उल्टा है, यहाँ पर कुछ होगा आपके पेरेंट्स को बुला के आपकी कंप्लेन की जाएगी, आप उधर देख लीजिए ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कॉलेज की लाइफ आप एकदम भूल के वहाँ जाएँ तो अच्छा है, कोई आपका सपोर्ट करेगा, कोई आपका वहाँ पे भला करने आएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे फिल्मों में देखा होगा कि जब नए दरोगा को नए सिपाही रंगरूट भर्ती मिलते हैं तो वो इनको जब कहीं इनकाउंटर होता है तो उन्हीं को मरवा के वो मेडल ले लेता है, बिल्कुल सोचिए, बस दोस्तों यही एक कंडीशन होती है कि आप जब किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं जो सीनियर है उसको यही होता है कि कुछ भी वो करेगा दोस्तों, वो अपना शिकार नए लोगों को ही बना लेता है, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि इसने गलती की थी, मैंने इसको ख़त्म कर दिया, तो ये एक एग्जाम्पल था दोस्तों, ऐसा होता है। अब ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपने अगर जॉब जैसे ज्वाइन कर ली है, ठीक है दोस्तों, मैं जैसे 2-3 फील्ड में था, मैं आपको एक इंश्योरेंस फील्ड बताता हूँ दोस्तों जो आजकल काफ़ी चल रही है दोस्तों। देखिए इंश्योरेंस फील्ड में कई चैनल होते हैं इंश्योरेंस को बिकवाने के लिए, एक दोस्तों चैनल होता है जिसे बैंक का बोलते हैं, उसमें बैंक से टाई अप होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, उसमें आपको वो अगर जॉब आपकी हो गई तो आपको किसी बैंक में भेज देंगे, वहाँ आपकी और ब्रांच मैनेजर की ट्यूनिंग है प्लस स्टाफ की, कि वो लोग अपने कस्टमर, प्रीमियम कस्टमर और हर तरह के कस्टमर को पकड़ेंगे, थोड़ा बहुत उससे बात में फंसाएंगे, फिर आपको बुला लेंगे कि इनको थोड़ा समझाइए, आप सुबह से शाम तक में 4 से 10 लोगों को पकड़ेंगे तो उम्मीद है आप 1-2 पॉलिसी बेच सकते हैं, ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरह से बेचते हैं, नहीं बेच पा रहे हैं तो सीख जाएंगे आप, कोई वो नहीं है, हफ्ते 10 दिन लगेगा आप करने लगेंगे, उस बीच भी आपको खाली नहीं जाएगा, अगर आप ब्रांच मैनेजर देखेगा भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सपोर्ट करेगा, अगर करना चाहेगा तो, अगर उसके दिमाग में भी यही है कि इसको हटवाना है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ हर कोई एक दूसरे को मार के ही ऊपर आना चाहता है, ये है कॉर्पोरेट सेक्टर, तो इसलिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं कह सकते किसके दिल में क्या है,
आपको खुद ही सब कुछ अपना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने एक सेक्टर बताया, ये हो गया बैंक का इशू। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों टाइट चैनल। टाइट चैनल में क्या होता है, एक मैनेजर होगा वो मार्केट से एडवाइज़र ढूंढेगा, जिनको कोई सैलरी नहीं मिलनी है उनको ज्वाइनिंग फीस उनकी 1,000-1,500 रुपये एडवाइज़र जमा करेगा। ज़्यादातर यूनिट मैनेजर को खुद ही जमा करनी पड़ जाती है क्योंकि लोग काम करना ही नहीं चाहते इंश्योरेंस में। लेकिन अब आपको मजबूरी है कि आपको अगर 20-25 हज़ार की जॉब मिल गई तो आपको करना है। इसमें जो आपको मैंने यूनिट मैनेजर चैनल बताया दोस्तों, तो इसमें आपको जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो कंपनी आपको एक टारगेट देती है कि 3 महीने आपको कोई बिजनेस कोई पॉलिसी नहीं लानी है। और बैंक इंश्योरेंस में आपको ट्रेनिंग के बाद day 1 से ही पॉलिसी ले आनी है। और दूसरा जो है ये क्या बोलते हैं यूनिट जो मैंने आपको टाइड एजेंसी बोलते हैं इसको, जिसमें मैनेजर होगा वो एजेंट रिक्रूट करेगा, तो उसको 3 महीने तक कोई टारगेट नहीं होता दोस्तों। वो अपना जो है एडवाइज़र रिक्रूट करेगा और उनको ट्रेन करेगा और उनसे पॉलिसीज ले आएगा। उसके बाद एक चैनल और होता है दोस्तों जो कि कॉरपोरेट चैनल होता है, वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कंपनी का टाई अप हो जाता है, उनसे उनका कमीशन तय हो जाता है पर पॉलिसी। हम आपको मान लीजिए नॉर्मल एजेंट को 20% मिलती है तो उन कंपनी को 35-40% तक मिलता है। फिर वो अपना ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अपना ही ऑफिस बनाएंगे, अपने टेलीफोन अपने एम्प्लॉय सब रखेंगे, उनके खर्चे भी होते हैं, फिर वो इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थर्ड पार्टी में चले गए तो वह अलग चीज़ हो गई, आप किसी कॉरपोरेट चैनल में अलग चले गए तो बात अलग हो गई, टाई अप जिसमें हुआ है। बाकी अगर आप बैंक में आ गए तो अलग है, आप यूनियन मैनेजर में आ गए दोस्तों 3 महीना आप पास है। दोस्तों आपको ध्यान ही रखना है, मैंने आपको आज आपको इसीलिए बताया कि आपको करना क्या है। जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपका जो मैनेजर होगा वो आपके ऊपर बार बार टारगेट करेगा, बार बार आपको पॉलिसी जो भी बिजनेस हो आप पॉलिसी बेचना है आप बॉन्ड जो भी है ले आओ। वो आपको 3 महीने सुकून से एडवाइज़र रिक्रूट नहीं करने देगा, एडवाइज़र नहीं रिक्रूट करने देगा और आपको ये कहता रहेगा कि जो मैनेजर जॉब छोड़ कर चले गए हैं मैं उनके जो अच्छे एडवाइज़र्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। एडवाइज़र्स यहाँ पे बहुत हैं, तुम जो है अभी सिर्फ बिजनेस पे ध्यान लगाओ, जो टीम है जो ब्रांच का टारगेट है उसको पूरा करा दो। अब आपको भी लगेगा कि अच्छा तो है, ऐसे तो मैं ढूंढ रहा हूँ, लोग तैयार नहीं हो रहे एडवाइज़र बनने को। अगर यार ये देने को तैयार हो रहा है मुझको अच्छे एडवाइज़र तो बुराई क्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका 3 महीना ये पूरा इसी तरह खा जाएगा, उसका जब 4वां महीना आएगा तो आपसे ये पूछेगा कि तुम्हारी टीम कहाँ है। आप इसके सामने उसे डर के मारे नहीं बोलेंगे कि निकाल ना दे मुझको, कि अरे सर आप ही ने तो कहा था कि टीम कुछ नहीं बनानी है, बस थोड़ा बहुत कर लो जो है, बाकी जो है यहीं भी इतने एडवाइज़र्स हैं जो कि मैनेजर यहाँ पे निकाल बहुत से चले गए हैं निकाल दिए गए हैं, उनकी टीम है अच्छी काम करती, वो मैं तुम्हें मैप कर दूंगा तुम्हारी टीम में डाल दूंगा। अब आप एकदम फंस जाएंगे दोस्तों, अब आप एकदम इतना फंस जाएंगे कि ना आपके पास एडवाइज़र है और आप ऊपर कह नहीं सकते, क्योंकि आपको 3 महीना ऊपर जब ट्रेनिंग करने गए थे ज्वाइनिंग के बाद तो आपको बताया गया था कि आपको 3 महीने तक कोई प्रेशर नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने अच्छे से अच्छे एडवाइज़र बनाने पे ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि सर इसने मुझको करने नहीं दिया तो ऊपर कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि भाई वो ब्रांच अच्छी चला रहा है, वो भाई ब्रांच का अगर महीने का 1 करोड़ का टारगेट है तो 50-60 लाख भी कर रहा है 70 लाख कर रहा है, तो ऊपर वाले तो खुश हैं उससे, आपकी एक छोटा सा यूनिट मैनेजर ही कौन सुनेगा। अब ये हो गया दोस्तों, आप कह रहे हैं यहीं पे टक मंगाने लगा, अब आप अपने रिसोर्सेज पे इधर उधर भाग के कुछ ले आए तो ले आए, नहीं तो अब आपके बुरे दिन शुरू हो गए। तो दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो करना है आप वही करिए। और देखिए ऑफिस में 2 तरह के लोग होते हैं, किसी भी जगह जाइएगा, एक होते हैं जो बॉस की बटरिंग वाले होते हैं और एक होते हैं काम करने वाले। तो जितना बॉस का प्रेशर डंडा होता है वो काम करने वालों के ऊपर ही चलता है, क्योंकि उनको पता है ये काम करते हैं मेहनती लोग हैं, और उसको अपने बटरिंग वाले इसलिए पाल के रखने हैं कि वो जब ऑफिस आएगा तो भाई गेट कौन खोलेगा, और बॉस बहुत अच्छी शर्ट पहनी है, अरे बॉस क्या जूते हैं बहुत बढ़िया है, ये सब के लिए भी उसको 3-4 आदमी चाहिए। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आप अगर ये कर सकते हैं बटरिंग तब तो ठीक है, क्योंकि आप 3 महीना आपको ये कराने के बाद वो आपको अच्छे एडवाइज़र भी देगा, क्योंकि आप उसकी बटरिंग करते हैं आपको पूरा सेट करके आपको राजा की तरह रखेगा। और अगर आप उसकी बटरिंग नहीं करते दोस्तों 3 महीना आपका वो ऐसे ख़राब करेगा, उसके बाद आपको बिजनेस के लिए रोज़ टारगेट करेगा और आखिर में करते करते आपको 4-6 महीने में इतना कर देगा कि आप जॉब छोड़ के चले जाएंगे, वो आपको निकाल नहीं सकता है दोस्तों, वो आपको परेशान कर सकता है दोस्तों,
बात बात पे फोन करेगा, चिल्लाएगा, सब कुछ करेगा, आप काम भी कर रहे होंगे तब भी वो आपको करेगा, लेकिन निकाल नहीं सकता उसको, इतनी पावर नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर बना सकता है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और आपका 6 महीने प्रोबेशन पीरियड निकल चुका है, आप परमानेंट हो गए, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है। मैं जो कहता हूँ मुझको निकाल दिया गया दोस्तों, उन्होंने निकाला तो, लेकिन जो उन्होंने मुझको लेटर दिया वो रेजिग्नेशन का दिया, कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। तो मैं उन्होंने ये एक पॉइंट रख दिया कि अब आप पास आगे रास्ते खुले हैं, लेकिन मुझको जॉब करनी नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैंने आगे ट्राई नहीं किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, कोई कंपनी किसी को टर्मिनेट नहीं कर सकती, आप इस चीज़ को एकदम गार्ड बांध लीजिए। टर्मिनेट करती है तो आप कोर्ट जाएंगे, तो कंपनी को आपको दोबारा रखना होगा, या तो सैलरी का कुछ पार्ट देना होगा, जब तक कि आपको दोबारा कहीं जॉब मिल नहीं जाती। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब तो बात ठीक है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। अगर आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो सीनियर था उसने आपको शुरू में बहका दिया, आपसे जो काम आपको नहीं करना था आपसे वो करवाया है, और इस बात पे आप उससे जो है आपकी उससे अब नहीं बन रही है, तो दोस्तों आप जब तक चाहे जॉब करिए, वो आप पर कुछ नहीं कर सकता। और बहुत होगा आपको चिल्लाएगा, अगर आप में भी थोड़ी बहुत है उसको भी आप एक आध बार अगर रखा देंगे ना दोस्तों, तो फिर वो आपसे बिल्कुल किनारे हो जाएगा, क्योंकि अगर वो गलत है तो फिर उसके साथ गलत बन के रहिए आप, और अगर सही है वो आपको सपोर्ट करता था, आप नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप छोड़ दीजिए, आप कहीं और ढूंढ लीजिए, कोई और सेक्टर ट्राई कर लीजिए, मैं आपसे खुद सजेस्ट करूंगा। लेकिन आप अगर मेहनत करते हैं, सब कुछ है, और आपकी मेहनत बेकार हुई उसकी वजह से, तो दोस्तों फिर मैं तो यह कहूंगा दोस्तों, उसको छोड़िए नहीं आप, फिर आप उसको भी परेशान करिए जैसे मैंने किया, उसको टर्मिनेट कराया, दोस्तों आप भी टर्मिनेट करा के मानिए, तभी दोस्तों हिसाब बराबर होगा, वरना नहीं तो ज़िंदगी भर आपको यही टेंशन रहेगी। क्योंकि मैं आपको अपना बताता हूँ दोस्तों, मैं एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ करते हैं FMCG में, जिनको काम दिया जाता है कि दिन भर में आपको 30-40 दुकानदारों पर जाके नमस्ते सलाम करना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अगर प्रोडक्ट रनिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप जैसे ही जाएंगे फ़ौरन अरे सर हाँ ऑर्डर नोट कर लीजिए, नहीं रनिंग है तो बताएगा भाई अभी आप रख के गए, देखिए रखा हुआ है, सेल नहीं हुआ है, फिर आप बताएंगे अरे सर दो ही है एक और रख लीजिए, क्योंकि आपको भाई दिन भर में टहल के 30 दुकान में कम 10 दुकान को प्रोडक्टिव भी दिखानी है। इस तरह करके जब आप किसी भी एरिया में काम करेंगे दोस्तों, 2-3 महीना लगेगा टाइम, आपको लोग जानने लगेंगे, आपके फेस वैल्यू पे काम करेंगे, आपके जाने के बाद वो आपका प्रोडक्ट भी सेल करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कुछ दिन बाद आप जाएँ तो आपको वो प्रोडक्ट वो सेल किए रहे, फिर आप उसको नया दो फिर सेल करें, यही कंपनी देखती है दोस्तों, जो जा रहा है बार बार मिल रहा है, इसीलिए कंपनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखती है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत ही नीची पोस्ट होती है दोस्तों, ये मैंने शुरू किया होगा मेरे ख्याल से 2002-03 में किया होगा, उसके बाद दोस्तों तब से करते करते मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैं यहाँ तक पहुँचा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर तक आया, कई साल लग गए मुझको आने में। उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको पहले पूरा बताया क्या हुआ, मैं ज्वाइन हुई, उसके बाद मैं गया, मुझसे कुछ और कराया जाता था, ये करो वो करो, सब एजेंटों को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो और भी साथ में थे उसके उसके लग्गू पंजू जिसको कहा जाता है बटरिंग वाले, वो भी कहे हाँ हाँ सही है सही, जैसा कह रहे हैं सर वैसे ही करो। उसके जब टाइम पूरा हो गया तो सारे मक्खन बटर बटर लेके किनारे हो गए, और उसके बाद हम अकेले खड़े हो गए, जैसे हम ही मुजरिम है, हमने कोई काम ही नहीं किया है, और जो 3 महीना किया उसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट ही नहीं था ऐसा कुछ। अब उसके बाद दोस्तों अब आप ये सोचिए कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा कि आप जो है इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हो, उसके बाद आपको ये कंडीशन आ जाएगी, अब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, या कंपनी निकाल तो नहीं सकती, नहीं निकाल पाई, अपने आपको पूरा सिस्टम बताया। उसमें दोस्तों फिर ये रहेगा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है छोड़ दीजिए, आप कहीं छोड़िए तब जब आपको कहीं दूसरे मिल जाए, आपको गैप भी नहीं करना है, गैप कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों तो फिर आप दबिए नहीं, आप उसकी कंप्लेन ऊपर तक करिए और उसको एकदम नंगा करके रख दीजिए, क्योंकि दौर ऐसा ही है दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे मेरा करियर ख़राब होगा मेरी कंप्लेन कर देगा, कुछ नहीं होता दोस्तों ऐसा, आपको नौकरी मिलनी है आपको मिल जाएगी, नहीं मिलनी है आप नहीं करना चाहते तो कोई वही नहीं है। कितने लोग टर्मिनेट हुए वैसे तो कोई दिखा नहीं सकता, टर्मिनेशन लेटर हो, किसी ने फ्रॉड किया हो, किसी ने वैसा केस किया हो तभी टर्मिनेट हो सकता है, चोरी है गबन है फ्रॉड है तभी हो सकता है, कंपनी के पास लीगल एक्शन है कि भाई इतने हमारे कंपनी से इतना पैसा दबाया इसलिए हमने इसको टर्मिनेट किया, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे आपको टर्मिनेट नहीं कर सकती, आपको PIP में डाल देगी, सब कुछ करेगी, मजबूर करेगी, लेकिन आप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों ये सबसे आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगा, तो ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए। और आज जो मैंने आपको थोड़ा सा ये सब टॉपिक बताना चाहा दोस्तों, इसीलिए कि अगर आप नई जॉब कर रहे हैं
इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं दोस्तों, तो जो मैंने कहा वो उसको फॉलो करिए। आप जितना दबेंगे वो आपको उतना दबाएगा, आप जितना उसके आगे मजबूर बनेंगे वो आपको उतना परेशान करेगा, और वो हमेशा रिपोर्टिंग आपके ऊपर निगेटिव ही करेगा वो, ये ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ आपके सामने कुछ और बना होगा, आपकी रिपोर्टिंग हमेशा ऊपर निगेटिव ही करेगा। क्यों? तो मान लीजिए अगर उसके पास 10 लोग हैं, उसमें 3 उसके बटरिंग वाले हैं, उसी 7 में ही उसको खेलना है। हर 2-3 महीने पे इनमें से एक दो को बाहर करना है, एक दो नए आएंगे। जैसे हमने बताया ना कि जब नए थाने पे रंग रूट आते हैं, तो अगर किसी खतरनाक जगह है, एनकाउंटर टीम गई है, तो वही मारे जाते हैं रंग रूट। उनको दिखाना होता है ना भाई, 10 उधर से मरे, 2 इधर, तो भी दिखाता हमारी ब्रांच में, देखिए सब परफॉर्म बहुत अच्छा होता था 1 करोड़ का, इस बीच 70 लाख और 2 मैनेजर मेरे काम ही नहीं करते, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूँ, आप प्लीज़ प्रोसेस कराइए, इसे रिज़ाइन ले लीजिए। तो ये सब है दोस्तों मार्केट में। आप जब जॉब करने निकले दोस्तों, एकदम मेंटली प्रिपेयर होकर निकले, आपका जो काम है आप वही करें। आपका अगर 3 महीने का टारगेट है, आपको ट्रेनिंग पे भेजा गया है, तो आप चुपचाप उस टाइम से मन लगा के वही काम करें दोस्तों जो आपको काम दिया गया है। अगर आप अपनी टीम सही से बना लेंगे 3 महीने में, उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे, आपको कोई टच नहीं करेगा। आप पहले महीने से ही उसके कहे पे आ जाएंगे जो आपका मैनेजर होगा, तो दोस्तों वो आपको लाके ऐसी जगह पे छोड़ेगा कि जहाँ पे ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे, या तो फिर आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उसके बाद भी अपने आप को आगे सरवाइव करें, अपनी फैमिली को लेके ज़िंदा रह पाएं। क्योंकि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या ज़िंदगी है, आप कैसे जीते हैं। यहाँ पर अपनी अपनी बचानी है, उसके लिए कितनों को मारना पड़े मार दो, ये चलता है दोस्तों। ये पूरी, ये मतलब समझिए एक ऐसा गंदगी है दोस्तों कि इसमें सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और लोग कर ही रहे हैं क्योंकि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें, मजबूर हैं, जॉब कर रहे हैं, हर तरह से झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए, जिस दिन कंपनी का दिल आपसे भर गया वो आपको निकाल देगी, आपसे रिज़ाइन ले लेगी, घेर के ले लेगी। तो इसलिए दोस्तों ये मत सोचिए कि मैं डर के काम करूँगा, दब के काम करूँगा तो मैं कुछ ज़्यादा दिन चलूँगा, नहीं। जब तक आप उसके लिए फ्रूटफुल हैं, तब तक वो आपको सलाम क्या मतलब आपको रखेगी, आपको फैसिलिटीज़ देगी। जिस दिन उसको लगा ये आदमी महंगा पड़ रहा है, इस आदमी से कुछ काम नहीं हो रहा, वो आपको एक क्लिक में बाहर कर देगी कि आप रिज़ाइन दे दीजिए, आपसे आपके बस का नहीं हो रहा। अब जो लोग मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, उनके ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो एकदम भाई परेशान हो जाते हैं, दब जाते हैं, जैसा कंपनी कहती है कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यही है कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो बिंदास काम करिए, और जो काम है वही करिए बस। बाकी ब्रांच मैनेजर कुछ कहता है, आप कोई ऐसा काम मत करिए जो आपके आगे आने वाले वक्त के लिए दिक्कत हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आज इतना ही जहन में आया, थोड़ा ध्यान से है वो मैंने आपको बताया, बाकी और भी कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा दोस्तों, कि जो काम आपको मिलता है ऊपर से टारगेट में आप वही काम करिए। बाकी ये ब्रांच मैनेजर, जो एरिया मैनेजर ये रखे जाते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आपका यूज़ करते रहेंगे, और नए नए इम्प्लीमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करेंगे, अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो गए तो सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ये आपकी रिपोर्टिंग क्या करता है ऊपर। अगर निगेटिव रिपोर्टिंग करता है दोस्तों, सीनियर आएंगे वो आपको निगेटिव ही निगाह से देखेंगे कि ये आदमी सही नहीं है कंपनी के लिए। आप भले बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ये ध्यान रखिए। मेहनत सिर्फ गधे और मजदूर ही करते हैं दोस्तों, और जो गधे और मजदूर होते हैं वो कुछ साल जॉब करने के बाद अब देखते होंगे घर में ही बैठे रहते हैं, क्योंकि कंपनी को नए गधे और नए मजदूर फिर नए मिल जाते हैं। जो बटरिंग वाले होते हैं दोस्तों, आप देखते होंगे डे बाय डे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी जॉब भी सिक्योर, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, और जब तक कंपनी है जब तक चाहे जॉब करें, फिर उनको नेक्स्ट ऑफर अच्छा मिलेगा, वो चले जाएंगे वहाँ भी ढेर सा बटर लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मेहनत करने वाले ईमानदार और बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, इनका दुनिया में कहीं गुजारा नहीं है। ये जहाँ जाएंगे 1-2 साल यूज़ करने के बाद फेंक दिए जाएंगे, और ये ज़िंदगी भर आपको परेशान ही दिखेंगे। क्यों? कभी बटरिंग कर नहीं पाएंगे, हमेशा जो बॉस कहेगा वही करेंगे, इस उसमें के बॉस कह रहा है कर दो, और जहाँ कहीं उल्टा होगा वो निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ें समझ में आई होंगी, ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा वो मैंने आपको बताया। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप नई जॉब करने जा रहे हैं, ब्रांच मैनेजर से रिलेशन मेंटेन रखिए, लेकिन ऐसे मेंटेन न रखिए कि वो आपका करियर ख़त्म करते हैं, ये मेरा आपको लास्ट वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।